कनेक्टेड थे हमें आज ही पता लगा है। ये मैंने एक बेसिक समस्या पाई है जहां पर कमियां हैं। पहला, जितने भी संस्थाएं हैं जो हमारे विभाग से रजिस्टर्ड, चाहे वो समाज कल्याण विभाग से हो या महिला कल्याण विभाग से हो या कोई भी विभाग हो, जो एनजीओ चल रही है, एक ऐसी सूची है हमारे पास जिसमें 30-40 एनजीओ के वो हैं, उन एनजीओ के पास ये बात मैंडेटरी चली जाए कि जो उनकी प्रतिलिपि है, जो उनका एक फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन, 3-3 साल के लिए ये संस्थाएं रजिस्टर्ड, इनको काम करने का मौका दिया जाता है, फिर इनकी एवरेज देखी जाती है कैसा काम करते हैं, फिर हर 3 साल के बाद इसको रिन्यूअल किया जाता है। ये लोग इसको जैसे एक दुकानदार व्यापार मंडल का अपना ऊपर लाइसेंस लगा के रखता है, ऐसे अपने ऑफिस में टांग कर रखी है। जब वहाँ जाते हैं तो एनजीओ चलाता कोई और है, वो एक अपने सुपरवाइजर या 10,000 रुपए की सैलरी में जिसको वहां रख देते हैं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। सबको पता है सर्कल रेट क्या होता है। मैं बड़ी शॉक्ड हूँ कि नोएडा में भी 90,000 जा रहा है और शामली जैसे जनपद में बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के अंदर एक जो संस्था जहाँ पे वो चल रही है उसका भी 90,000 ही जा रहा है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं बना हुआ है कि जहाँ पर वो एनजीओ चले, वो पहले कोई नशा केंद्र वहाँ पर चलता था, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पे वो उसका रेंट टाइटल देखिए, 11 महीने का रेंट होता है। ये नहीं कि 2 साल पहले देखा हो कि अपने दिमाग में पिक्चर बना लिया कि 3 साल का है, करा लेंगे। रिन्यूअल आप लोगों के पास अपडेट होना चाहिए और वहाँ लगा हुआ होना चाहिए। कोई बात भी ये नहीं कहे नहीं मैं इनको बोल कर गया था, मुँह जबानी आप हमसे कोई बात नहीं करेंगे और ना ही आप किसी भी संस्था से बात करेंगे। अगर आपने उनको कोई चिट्ठी के द्वारा नहीं चेक भेजा तो इसका मतलब फॉल्ट पे आप किया था। तो मैंने ये पाया कि बहुत सारी खामियां मतलब बेसिक हैं, तो हर जगह उस चीज के अगर हम पीछे पड़ते हैं या उनके ऊपर अर्ज करते हैं तो वो नेगेटिव इशू बन जाता, मतलब बनकर सामने आ रहे थे। तो फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से एक वर्किंग की कि ऐसी कौन कौन से बेसिक मुद्दे हैं जो हर जनपद में मिलेंगे और जो एक बेसिक कारण, मूल कारण जिसको हम कहते हैं, मतलब कमियों का, तो वो कैसे दूर हो सकते हैं, उस पर मैंने फिर वर्किंग किया। तो मैंने एक जगह पाया कि मुजफ्फरनगर में हमने जब उस वर्किंग के तहत देखा तो वहाँ कम से कम बहुत बड़ा एक रिजल्ट आया। एक और जगह मैंने देखा वहाँ पर भी रिजल्ट आया। किस टाइप की कमियाँ मिली आपको वो मैं बताती हूँ। जैसे देखिए कि हर जितनी भी सरकार संस्था चलती हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी, रजिस्ट्रेशन उनका कंपल्शन होता है, 3 साल के लिए मान्य होता है एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद। तो कुछ जगहों पे तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिला आपको, बस मतलब गैर पंजीकृत संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जैसे कि किसी का 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, इस वजह से वो वहाँ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। किन्हीं का खत्म हो चुका है 2 महीने पहले, उनका कहना है कि हमने अप्लाई किया हुआ है, विभाग के पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि ये जो आपसी तालमेल है ये सब गड़बड़ है, तो इसीलिए मैंने फिर एक फॉर्मेट ये बनाया कि किन किन चीज़ों पे काम होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग है वो कौन से फॉर्म में टाइटल्ड है, वो रेंटेड है या डोनेशन बेसिस पे है, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल तो नहीं है बिजली का, कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने गीजर हैं, कितने आपके एसी हैं, क्या उस हिसाब से उस बिजली का बिल आता है या नहीं आता है। फिर आप लोगों का टेलीफोन है, 4-4 टेलीफोन वहाँ पे दिखा रखे हैं, हम लोग भी बजाते हैं, वहाँ पे कोई उठाता नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, इससे अच्छा एक हो जो वर्किंग हो, एक ऐसा कनेक्टिविटी जो मतलब सार्थक रूप से हो। वृद्धजन है, उन लोगों का डाटा ऑनलाइन होने का, उनका सर्टिफिकेशन होने का, विधवाओं को, जैसे विधवाजन है जो गवर्नमेंट की बेनिफिशरीज में आती हैं, वो उनको लाभार्थी बने वो, तो ऐसा स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो स्कूल का आईडी कंपल्शन हो, स्कूल उनका आधार कार्ड बना हो, अगर वो CWC से आए हैं तो वहाँ पर उनकी फ़ोटो के ऊपर स्टैंपिंग उनकी हो, मतलब किसी भी प्रकार की पेपर वर्क में एक तो लापरवाही ना बरती जाए। एक जैसे हम लोगों ने ये बोला है कि CCTV मैंडेट होना चाहिए और जहाँ पर कुछ गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा दिखती है तो वहाँ पर आप थंब इम्प्रेशन वाला काम करवा दीजिए, ताकि ये पता रहे कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो लोग वही हैं या नहीं है, और जो वृद्धजन वहाँ पे रहते हैं या जो और लोग रहते हैं ऐसी संस्थाओं में, वो लोग वो हैं या नहीं है। क्योंकि कई संस्थाओं में ऐसा भी पाया गया है कि दिखाने के लिए तो वृद्धजन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 75 रुपया उन्हें हर माह वो डेली का उनको मिलता है खाने के लिए, तो दिखाते तो 100 हैं
पर जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे मिलते 20-50 हैं। मतलब आप बायोमेट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक लगाई जाए? मैंने ये कहा है देखिए हर संस्था में ऐसा नहीं है जी। हमने देखा कुछ संस्थाएं बहुत अच्छी हैं जिनके अंदर बहुत तसल्ली है, लेकिन अगर 10 संस्थाओं में से एक संस्था में ये इशू है जी। तो जहाँ ये मेजर इशू पाया जाता है वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि को रोकना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ मिला ये? मुझे शामली में मिला, बागपत में मिला। बरेली में क्या कमी? नहीं, बरेली में मैं भी इंस्पेक्शन करने नहीं गई हूँ। मैंने भी आपको बताया जब मैंने ये फॉर्मेट देखा कि जब मैंने बेसिक जब सब जगह 18-20 जगह जब आप करते हैं, मैंने हर जगह दो दो तीन तीन जगह विजिट किया है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 को 3 से, लगभग लगभग 50 के करीब हो जाती हैं। 50 संस्थाओं का जब एक ओवरऑल मैंने पैरामीटर बनाया कि कहाँ कहाँ वर्किंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने एक बेसिक पॉइंट बनाए हैं अपने, जो मैंने इन लोगों को भी सारा लिस्टिंग करके दिया है कि आप अवेयरनेस कैंप करते हैं तो उनका क्या मुद्दा होना चाहिए, वो कहाँ पे करवाए जाएं, सभी अधिकारियों का आपस में तालमेल होना चाहिए, कोई ये कह के पीछे ना छुड़ाए कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कहीं ना कहीं अगर देखिए ना, बच्चा शिक्षा लेने जा रहा है स्कूल में तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, CMO का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कुछ और बात है, क्योंकि इनके माता पिता नहीं है तो गवर्नमेंट नॉर्म्स में जो भी इनको बेनिफिशियरी मिल सकते हैं हम ही लोग हैं इनमें, तो हमारे द्वारा सबका एक तो आपस का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ हम क्या बेहतर के लिए कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ निरीक्षण के समय कमियों को उजागर करना ही एक पार्ट ना हो, कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हमारी वर्किंग होनी चाहिए। सिर्फ हम जाएं इंस्पेक्शन में और जो कमियां हैं वो उजागर करके आ जाइए, सॉल्यूशन नहीं है ना। 18 से 20 अप्रैल के बीच में काफ़ी इंस्पेक्शन हुए? अप्रैल में तो हम बने नहीं है भाई साहब, हम 2 अगस्त को बने हैं। आप जो अभी बता रहे हैं, मैंने 3 सितंबर से लेके और 18 सितंबर तक लगातार इंस्पेक्शन किया है 15 दिन, और डेली मेरा एक जनपद था, चाहे नोएडा था, गाजियाबाद था, मेरठ था, मुजफ्फरनगर था, मुरादाबाद था, शामली था, बागपत था, आगरा था, मथुरा था, ऐसे ही रहा।